Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस माशाल्लाह से जो है आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए जल्दी से पहले व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ऑप्टिमिस्टिक कमान और आप लोगों को मेरी तरफ से रमजान करीम बहुत मुबारक। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्होंने हमें एक और रमजान अता किया। दिल में खुशियों का पैगाम आ गया है, मुबारक हो रमजान आ गया है। अधूरी ना रह जाए दुआ किसी की, सबके लिए ऐसे ही रमजान आ गया है। मैं रहूंगा आप लोगों के साथ सहरी में भी और इफ्तारी में भी। तो मैं रहूंगा आप लोगों के साथ कनेक्टेड ओनली ऑन ऑप्टिमिस्टिक कमाल चैनल पर। हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। तो गाइस जब तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे माशाल्लाह से जो है मैं सहरी वगैरह कर रहा था और माशाल्लाह से सहरी वगैरह करने के बाद जो एंड कर दिया। बिल्कुल देगी गोरमा रहे हैं, देगी गोरमा। हाँ भाई मम्मा जान क्या कर रही हैं? नहीं कर रही। आज आपने दाल की जैसे कपड़े पहने हुए हैं, बिल्कुल मैचिंग के। मेरा बहुत दिल चाह रहा था। आज मम्मा ने बनाई मूंग मसूर की दाल और साथ में अचार है और चिकन है, अजला पेनी वगैरह। आज दाल का था, दाल डे है। मैं चाह रहा था आज सातवां माशाल्लाह से जो है वो रोज़ा हो गया, लेकिन इतने दिन से वही बस सारा चीज़ें बन रही थी, दाल नहीं बन रही थी। तो आज मैंने जो है अपने लिए दाल बनाई और जल्दी से पहले सहरी करते हैं। और आज सहरी के अंदर मजा ने बनाई है दाल, बड़ी मज़ेदार सी, और उसके साथ अचार है और चिकन भी है, और चिकन भी है साथ में। लेकिन जो है दाल का तो अपना ही मज़ा होता है। तो आज जल्दी से पहले दाल ट्राई करते हैं मम्मा ने कैसी बनाई। मम्मा हमेशा मसाला मज़े की बनाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे माशाल्लाह से जो है बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं। यार मेरे साथ तो ये था कि जो है सेवेंथ रोज़ा मुझे जो है बहुत ज़्यादा लग रहा था। अचानक से जब शाम का टाइम हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा था। तो जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, इसलिए मुझे पराठा पास करना मम्मा। यहाँ पर जो है माशाल्लाह से सायरन भी हो चुका है, देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको। अभी फिलहाल तो मेरे पेशेंट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको। तो जल्दी साढ़े मैंने रोज़ा खा लेते हैं। गर्मा गर्म पराठे हैं और दाल है।
द नेक्स्ट डे लेटर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो गाइस माशाल्लाह से आप लोगों को नाइन्थ इफ्तार आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से बहुत जल्दी जल्दी रोजे गुजरे और अजान भी हो रही है और काफी अच्छे रोजे गुजरे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो जल्दी आते जल्दी से पहले रोजा इफ्तार करते हैं। जल्दी शांति रह चुका हूँ। हमने लोमचौड़े बनाए, पानी वाले लोमचौड़े, उसके साथ की चटनी ये रही और साथ में धनी बनाया माशाल्लाह। धनी तो गाइस यहाँ पे मम्मा जान ने बनाई लोमचूड़े की चटनी, बड़ी मज़ेदार। ये देख सकते हैं आप लोग, लोमचूड़े की चटनी इस तरीके से बनती है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लोमचूड़े, हम बड़े मज़ेदार से लोमचूड़े खा रहे हैं। अरे मम्मा जान बस कर दो यार, मुझे भी खाने अच्छे बने ना मम्मा जान, बड़े मज़ेदार बने, धबक बने धबक। चल आ रहे हैं जल्दी से, फिर हम भी निकालते हैं ये चटनी से फ़ायदा उठाते हैं। ये देख सकते हैं इसके ऊपर डलती है चटनी इस तरीके से। यहाँ पर जो हम लोग लोमचूड़े एंजॉय कर रहे हैं, बाल साइड में से खड़ा हो गया। ये देखने बड़े मजेदार से जो है लोमचूड़े हैं। बहुत मजेदार, सिर्फ हमें खा ले तो इतना मजा नहीं आता, लेकिन रमजान के अंदर जो अलग ही बात होती है इसको खाने की, बड़ा मजेदार होता है। आ हा हा, आम दिन में भी बनाती हूँ मैं, लेकिन रमजान की माशाल्लाह माशाल्लाह तो अलग ही बात है। जैनब लोमचूड़े ले लेना, प्लेट खाली कर। और भाई भाइयों कैसे रोजे गुजर रहे हैं आपके, जरा हमको भी बताइएगा कमेंट के ऊपर। तो अभी हम जो है लोमचूड़े खा रही आई थे और अब हम इंजॉय कर रहे हैं मैक्रोनी जो कि मम्मा जान ने बनाए बड़े मज़ेदार से। और हमारी मम्मा जान किसी से बात कर रही है मोबाइल पे और हम खा रहे हैं मैक्रोनी। तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने रोज़ा इफ्तार कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ मगरिब की नमाज़ अदा करने के लिए। फिर उसके बाद जो भी होगा आपसे आगे से शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी मदर को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके गाइस अस्सलामुअलैकुम।